सती के आत्मदाह से शुद्ध शिव जब सती के शव उठौले सहस्त्र वर्षन तक ब्रह्मांड में घूमत रहलन, तब भगवान विष्णु सृष्टि के संतुलन हेतु सती के अंग सब के सुदर्शन चक्र से विखंडन कैलन। जहाँ जहाँ सती के अंग गिरल उसब स्थान शक्ति पीठ के नाम से प्रसिद्ध भेल, और उही के रक्षा खातिर शिव के अंश से भैरव की उत्पत्ति भेल, और समय समय पर संसार के कल्याण हेतु इस सब शक्ति पीठ अस्तित्व में अयलन। आज हमने पश्चिम बंगाल में स्थित कुमारी शक्ति पीठ के कथा बताई। यहाँ माता के दाया स्कंद गिरल रहल। धरती लोक में आज न्याय और अन्याय के बीच मनुष्य के मानवता दांव पर लागल बा, जौन कारण माता के भक्त लोक के जीवन संकट में बा। मंजरी, ये सब काम है? आज का यहाँ कौनो उत्सव बा? हाँ मंजूषा, अभी तू और तोहार पिताजी हमने के नगर में नया बाड़े, अब तू ये उत्सव के देखे क्या आदत डाल ल। आज यहाँ अंधकोप में नेत्र के समर्पण होगी। असुर राज मेघासुर के कहे से ये उत्सव के आयोजन भेल बा। अंधकोप में नेत्र समर्पण? हम कुछ समझ नहीं ना। ई जौन यहाँ ये आदमी के बांधल गेल बा ना, ये बंदी, तोहरा पर आरोप बा कि तू हमार राजवंशी काल है। ओ अद्भुत फल के राजा आम के चुरौले वाला, जोन हमरा द्वारा लगावल गईल आम वृक्ष में साल में खाली एक बार आवे। बतावा, आखिर तू काहे कैले ये अपराध? क्षमा करी महाराज, हमार पुत्री मृत्यु शैया पर बिया, ओकर एगो बड़ा इच्छा रहल राजवन में आम के पेड़ पर लागल ओ अद्भुत आम के मृत्यु से पहले एक बार चखे के, ओकर इच्छा पूरा करे के खातिर ही हमसे ही कार्य भइल बा। ये अपराध बा, एकर दंड तोहके मिली। हमार राज्य में दंड के अर्थ बा बंदी के अपन आंख दान करे के पड़ेला, और उनके अंधकूप में डाल दिहल जाला। भैरव, न्याय के हाथे अधर्म के परिभाषा लिखल जा रहल बा। मृत शैया पर पड़ल एगो बालिका की इच्छा के इतना भयानक दंड। माता केहू के भी नेत्र के निकालन कितना बड़ा अन्याय। क्षमा महाराज, भूल हो गए, हमके दंड मत दी। हमार बच्ची के संसार में केहू नहीं खे महाराज, दया करी महाराज, हमरा पर दया करी। दंड के रोकल ना जा सकेला, दंड तो मिली। रुक जाई महाराज, ई अन्याय बा।
आज इनकरा पर दया करी, इनके छोड़ दी। पुत्री के इच्छा खातिर इनसे ई भूल हो गई। ई कन्या के भी आई? महाराज, ये ऋषि पुलकित के कन्या भी आई, जे कुछ दिन पहले राव राज्य में अपन तपस्या के बल पर माता के शक्तिपीठ खोजले रहने। और अब ये राव राज्य के प्रजा के माता के भक्ति करे खातिर प्रेरित कर रहल बा। ठीक बा कन्या, यदि इनका खातिर तोहरा मन में इतना ही दया माया बा, तो इनका स्थान पर तू आके अपन नेत्रदान समर्पण करा, हमार न्याय भी हो जाए और तुहार दया भी हो जाए। कन्या बहुत सरल बा बोलल, बाकी जब करी के बारी आवेला ना, तब सब स्वयं भगवान भी सोच में पड़ जाले, समझ लो। हम तैयार बानी। न्याय ना, अन्याय होखे वाला बा। वाह वाह ऋषि कन्या वाह, तू सच में न्याय के मूरत निकल लो, तुहारी इच्छा अवश्य पूरा होखी। आवा अंधकूप के और निकट आवा, आवा। माता के मंत्र जप के कोनो फायदा नहीं खे, कोनो माता तो के यहाँ बचावे ना आई है। रुक जाओ। कैसा अन्याय कर रहा बानी रहुआ? वो व्यक्ति कोनो अपराध नहीं कहले, वो तो केवल अपन बेटी के इच्छा के पूर्ण करत रहा। और न्याय है कहा था कि तू ये ऋषि कन्या और वो वृद्ध व्यक्ति के छोड़ दा। तू के बड़ा माता के पीठ के रक्षक शिव भैरव। ओ तो हमारे राज्य में माता के शक्ति पीठ के स्थापित कर तू ही हमार सत्ता के चुनौती दे रहल बा। भैरव यहाँ से चल जा, यहाँ केवल हमार न्याय होखी, हमार पूजा होखी। मेघासुर, पूजा करे के अधिकार भक्त के बा, और केहू भी ओके आपन पूजा करवावे खातिर बाध्य ना कर सकेला। रहल बात न्याय के, तऊ राजा के विवेक से करे के चाहिए, और विवेक यह कहत बा कि तू ये दोनों के छोड़ दा। ना, केहू के ना छोड़ब हम, इनकर अपराध के इनके दंड मिली। या तो ऋषि कन्या अपन नेत्र समर्पण कर देवे, या फिर वृद्ध व्यक्ति करे। यदि हमार नेत्र दान करे से इनकर नेत्र बचत बा, तो हम तैयार बानी। महाराज, महाराज, क्षमा महाराज, वो अद्भुत आम वही वृक्ष पर बा। ऐसन कैसे हो सकेला, चला हमरा संगे। ना हो सकेला, हम स्वयं देखले रहनी अपना आँख से, यहाँ आम ना रहल, ये संभव बा। परंतु सत्यता इहे बा कि आम तो अभी भी वृक्ष में ही बा। ई सब माता के चमत्कार बा। जय माता की। जय माता जी। जब अपराध कैल ही नहीं खे, तब दंड कैसन?
ना। देल कैल दंड वापस ना लिहल जा सकेला। ऋषि कन्या तोहके अपन नेत्र देवे के ही होखी। रुक जा मेघासो। सुरक्षा कवच बना के तू हमके रोक ना पाइबा। सहायता करे खातिर राउर बहुत बहुत धन्यवाद। ऋषि कन्या, माता के भक्तन के रक्षा कैल हमार कर्तव्य बा। पिताजी, बहुत ही दुखी लोग बाड़े। इनकर बेटी बहुत अस्वस्थ बिया। माता रानी के दरबार में आके केहू दुखी ना रहेला। माता रानी अवश्य इनकर सब दुख के दूर करी हैं। हे माता रानी, आपन कृपा से इनके स्वस्थ बना दी ही और इनकर तन मन भी स्वस्थ कर दी ही। रउआ लोग भी माता रानी के जाप करी। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियता प्रणतास्मता। या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति शब्दिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति शक्तिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तारानी तोरा पर आपन आशीर्वाद बना देले बाड़ी। शीघ्र ही तू अब बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगी। कल रहुआ हमनी के आश्रम आई और वहाँ बैठ के माता रानी के याद भी करम और संगे ही मिलके भोजन भी कर जाए। माता, आज वो ऋषि कन्या के साहस वो घमंडी मेघासुर के सही पाठ पढ़ो ले बा। काहे कि उद्दुष्ट असुर मेघासुर अपन हार से अत्यंत क्रोधित होगी।
एकरा बाद भंडारा समाप्त। माता की कृपा से सब अच्छा से हो गई। अरे लोग तो आवत ही जा रहल बाड़े, इतना भोजन के व्यवस्था ना करनी हमनी, भोजन अवश्य ही कम पड़ जाए, अब हमनी का करी। हे माता, हमनी के सहायता करी, केहू भी यहाँ से बिना भोजन कहले ना जाए। भोजन तो समाप्त हो गई बा, अब का करी? का भइल पुत्री? का करी पिताजी, भोजन तो समाप्त हो चुकल बा, और नया भोजन तैयार करे में तो समय जाए, और लोग तो बढ़ते ही जा रहे बड़े। पुत्री, हमनी के चल के उनसे क्षमा मांग लेवे के चाही। द्वार पर आयल अतिथि के भूखल भेजल पाप बा। संकट में घिरल बाड़े ऋषिवर। आज तो इतना भोजन कई जाए कि इनकर सारा भोजन ही समाप्त हो जाए। आज तो हमने इनकर अपमान करके ही जाए। रउआ लोग से कुछ कहे के चाहत बन। भोजन भोजन तैयार बा। सबसे भोजन में भइल देरी खातिर हम क्षमा चाहता नहीं। भोजन तैयार बा, रउआ ग्रहण कर। हे माता, ये भोजन सबके खातिर भर पेट हो जाए, केहू भी भूखे न जाए। हमनी के और भोजन दी ही। हमके भी अपन सामर्थ्य से ज्यादा हमने भोजन कर चुकल बानी। बताना इनकर भोजन खत्म काहे नहीं के हो रहल। अरे रउआ लोग रुक काहे गई, और लेही और खाई। सामर्थ्य से बेसी खाए से हमनी के पेट में पीड़ा उत्पन्न हो गई, अब हमने सबके चले के चाहिए।
अरे अरे कहाँ जा रहा बानी रउआ लोग, भोजन तो करके जाई। हम रउआ के पहचाननी ना रउआ। ऋषिवर, माता के कार्य में हमनी सब के हाथ बटावे के चाहिए, यही से हम चलेंगे। राउर बहुत बहुत धन्यवाद, राउर सहायता से ये कार्य सफल हो पाई। ऋषि कन्या, माता के कार्य रहल सफल तो होख ही के रहल। भैरव, तोहार धन्यवाद, तोहार आशीर्वाद से ही मंजूषा के पूजा और भोजन सफल रहल। माता, हम राउर और राउर भक्तन के रक्षक बानी। भैरव, स्मरण रहे तो के अब भी ये ऋषि कन्या मंजूषा के ध्यान रखे के होखी। अवश्य माता। मूर्ख, तुहके जिए के कोनो अधिकार नहीं खे, तू एगो कन्या से हार के चलेला का कोनो मायावी कन्या रहलू? क्षमा करी महाराज, वो कन्या ता मायावी ना लागत रहल, अपितु ओकर रसोईया मायावी लागत रहल। हाँ महाराज, उनका लगे से भोजन समाप्ति ना होखत रहे, हमनी खात जात रहनी और उ खिलावत जात रहलन महाराज। ओ तू अवश्य भैरव ही होखी माता के रक्षक, उहे ऋषि कन्या के सहायता कैले होखी। मंजरी, माता के आशीर्वाद से सब दुखी लोगन के सेवा करे में आनंद के अनुभूति होखेला, और जब से ओ वृद्ध व्यक्ति के पुत्री माता की पीठ से स्वस्थ होके गई बिया, तब से माता के भक्त बढ़त ही जा रहल बाड़े। अब हमनी जड़ी बूटियन के और तलाश करे के होखी, ताकि हमनी सबके सेवा कर सकी। हाँ, तू सही कह रहल बाड़ू मंजूषा। तू उहा देखा, हम उन्हें जाके जड़ी बूटी लेके आवत बनी। हाँ। परेशान मत होखा, हम तोहार सहायता करब, लवा दा हमके अपन हाथ। के बाड़ू तू, छोड़ा हमार हाथ। रक्षा करी। ये सब कैसे हो गए? घबरा मत, तो के कुछ न होगी। रक्षा करी माता। इतना आसानी से ना मार सकेला हमके, हम सर्प लोग से आई बनी।
असुर मेघासुर हमार मित्र बाड़े वो हमके भेजले बाड़े यहाँ पर हम काल विश्व और ऋषि कन्या के जसले बानी जैसे होकर बचल असंभव बा हे माता इता अपन प्राण त्याग चुकल दिया पुत्री मंजूषा बोला पुत्री पुत्री बोला बोला पुत्री भैरव हमार पुत्री मंजूषा के का भई बा ऋषिवर बहुत ही दुखद समाचार बा दुष्ट मेघासुर राउर पुत्री के विषैला सर्प से डसवा देले बा वो अपन प्राण त्याग चुकल भी है माता के भक्ति के आगे बढ़ावे में हमार पुत्री मंजूषा के मृत्यु भइल बा हम जानत रहनी वो असुर मेघासुर एक न एक दिन एक कार्य करी हे माता यदि रहुआ प्रति हमार श्रद्धा सच बाता हमार प्रति मंजूषा के कुछ ना होखी उनके पुनः मिल जाए हमें कर अंतिम संस्कार ना करब माता रहुआ के हमार पुत्र के प्राण वापिस लावे के होगी कहे कि राव रहे भक्त के माता भक्ति के कार्य अभी पूर्ण नहीं के भइल माता हमार योजना पूर्ण नहीं के भाई तो के हमार कार्य करे के होखी भैरव तो के ऋषि कन्या मंजूषा के प्राण पुनः वापस लावे के ही होखी हम अपना भक्त के संगे ऐसन अन्याय होखत ना देख सकेनी माता एकरा खातिर हमके का करे के होखी के बारा तू? हम असुर, मेघासुर के यज्ञ से उत्पन्न असुर इंदुगबानी। यहाँ का है आइल बारा? हम मैं ऋषि कन्या के अंतिम संस्कार करे आइल बानी। दुष्ट, हमार पुत्री के हाथ मत लगाई हा, हमार माता एके पुनर्जीवित करी हैं। एकर अंतिम संस्कार ना होखी। हमरा रहते ऋषि कन्या के पुनर्जीवित कैल कदापि संभव नहीं खे We'll be right back.
ये सब कैसे भइल ऋषिवर? मंजूषा के शरीर कहाँ बा? भैरव, मंजूषा के शरीर के अंतिम संस्कार खातिर यहाँ से उठा के ले गई बा। दुष्ट असुर, तुहार भला यही में बाकी, तू तत्काल मंजूषा के शरीर हमके वापस कर दा। ना भैरव, ये शरीर हम केहू के ना दे, ये शरीर हम असुर राज मेघासुर के दे, ओकरा अलावा केहू के ना दे। हमरा मार्ग से हट जा। भैरव, इस शरीर तो के कदापि ना मिल सकेला। अब नदी के मछली सब और ऋषि कन्या के शरीर के अपन भोजन बना ली। ऋषि कन्या के शव के अंतिम संस्कार नहीं कर लेते, हम चैन से ना बैठा। ना हम माता के दुखी देख सके नहीं और ना ही उनकर भक्तन के। यही से हम मंजूषा के जीवन के बचावे खातिर एगो मात्र उपाय के खोजे खातिर जा रहल बानी। यदि हम कल प्रातः तक वापस ना लौटनी तई मान लेहब कि मंजूषा के पुनः जीवित ना कैल जा सकेला। ऋषिवर, मंजूषा के शरीर के ये घेरा से बाहर मत निकाला, होकर शरीर ये घेरा के भीतर सुरक्षित बा। और ध्यान रहे, असुर मेघासुर शांत ना बैठी। भैरव, मंजूषा के प्राण वापस लावे के केवल एक ही उपाय बा, तो के सर्प लोग जाके सर्प कन्या अरितिका के ढूंढे के होखी। यदि ऊ मंजूषा के शरीर से विष पान कर पूरा विष वापस खींच ली, तब मंजूषा के प्राण वापस आ सकेला। किंतु स्मरण रहे, ई कार्य कल सवेरे तक हो जाए के चाहिए, अन्यथा हमनी मंजूषा के ना बचा पाई। भैरो, हमके देख के आश्चर्य मत करा, हम वे सर्पानी जौन मंजूषा के डसले रहल, और हमरा हुते तू कबो भी सर्प कन्या रीतिका तक ना पहुंच पाईबा। मूर्ख, तू हमके ना रोक सकेला।
भैरव, हम है सर्प लोक के राजा अर्जक बानी और हम जाना तानी कि रउआ यहाँ कौन कार्य खातिर आयल बानी। आए हमरा संगे। हे भैरव, हम उस सर्प कन्या अरितिका के पिता बानी जेके रउआ ढूंढे आयल बानी। सर्पराज, हम एगो ऋषि कन्या के प्राण बचावे खातिर राउर पुत्री अरितिका के लेवे आयल बानी। कृपया हमार सहायता करी। काश अरितिका राउर सहायता कर पाईत। हम कुछ समझनी ना। हम रउआ के सब बतावता नहीं। वो रात पूनम के रात रहे जब हम जंगल में गए रहनी। अरितिका, 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 रुक जा। अति सुंदर दुष्ट शोलक, तुम्हें इतना साहस कि तू यहाँ चलाई ना। निकल जा यहाँ से। जाए खातिर नहीं खी आयल हम अर्तिका, तोके संगे ले जाए खातिर आयल बानी। लोगन के घातक से घातक विष से जान बचा के तू अपना भीतर संसार के सबसे भयंकर विष एकत्रित कर ले ले बाड़ू। यही से अब तू हमार बंदी बन के हमरा खातिर विष के प्रयोग करबू। जे के हम कहब ओके तू डसबू। तोहार संकलित विष अब हमरा काम आई। मूर्ख, हम कभी भी केहू के ना डसे के प्रण लेने बानी। चल जा यहाँ से। हमार बंदी बाड़ू, तू हमार कार्य सिद्ध करबू। हे भैरव, हमके आभास होखेला कि हमार पुत्री अरितिका अबे संसार में नहीं। उ दुष्ट शोलक ओकरा के मार के आपन कोनो साधना पूरा कैले ले होखी और हमके बहुत दुख बा।
कि हमार पुत्री अरितिका राउर माता भक्त ऋषि कन्या के प्राण बचावे के काम ना आ सकल।